नांगल चौधरी के बनिहेड़ी गांव में शहीद मेजर सतीश दहिया की श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मेजर सतीश दहिया के परिजनों को 50 लाख मुआवजे सहित कई घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। शहीद की बेटी को गोद में खिलाया और शहीद चित्र पर पुष्प अर्पित किए। शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए देने और गांव को जाने वाली सड़क, नांगल चौधरी के राजकीय कॉलेज का नाम और गांव की व्यायामशाला के नामकरण भी शहीद मेजर सतीश दहिया के नाम पर करने का ऐलान किया। साथ ही सरकार के नियमानुसार शहीद की पत्नी को योग्यता के आधार पर अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की। लोगों ने किया है कि उनके नाम को अमर रखने के लिए जो राजकीय महाविद्यालय नांगल चौधरी का जो नाम है उसका नाम सतीश दहिया के नाम से रखा जाएगा। इसी प्रकार गांव की जो सड़क है उसका नाम भी मेजर सतीश दहिया मार्ग ये रखा जाएगा। एक किलोमीटर की जो सड़क बनिहाड़ी से नायण तक ये नई बनाई जाएगी और मेजर सतीश दहिया की धर्मपत्नी श्रीमती सुजाता दहिया उनको सरकार जो भी कायदे हैं उसके अंतर्गत अच्छी से अच्छी नौकरी उनको दी जाएगी। नांगल चौधरी से जाट टीवी न्यूज़ के लिए रामपाल फौजी की रिपोर्ट।